हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम परवल की बर्फी बनाएंगे। परवल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबाल लेंगे और इसे ढककर धीमी आंच पर उबलने देंगे। हमने परवल को पहले ही पानी से धोकर और छील कर रख लिया था, अब इसे बीच में से काट लेंगे। देखिए, हमें इस तरीके से परवल को बीच में से काट लेना है। ध्यान रहे, हम परवल को पूरा नहीं काटेंगे, इसे बस मिडिल कट ही देंगे। देखिए, इस तरीके से बीच में से खुल जाएगा और इसी तरीके से बाकी परवल को भी काट लेंगे। सारे परवल कट चुके हैं, अब पानी को चेक कर लेते हैं। पानी भी उबल चुका है, अब सारे परवल को पानी में डाल देंगे। और फिर एक बार इसे ढककर रख देंगे। ध्यान रहे, हम परवल को ज्यादा नहीं पकाएंगे, इसे हल्का सा ही पकाएंगे, बस 5 मिनट तक ही पकाएंगे। 5 मिनट हो चुकी हैं, एक बार परवल को चेक कर लेंगे। परवल हल्के पक चुके हैं, अब गैस बंद कर देंगे। अब एक छलनी लेंगे और सारे परवल को उसमें निकाल लेंगे। अभी परवल थोड़े गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक परवल ठंडे हो रहे हैं, तब तक फिलिंग के लिए खोआ तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें करीब 3/4 कप खोआ डालेंगे। और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ध्यान रहे, हम इसे ज्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा ही भूनेंगे। खोआ हल्का सा भुन चुका है, अब गैस बंद कर देंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने जो परवल काटे थे, उसके सारे बीज निकाल लेंगे। इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। और इस तरीके से हर एक बीज को निकाल लेंगे। और इसी तरीके से बाकी परवल के भी बीज निकाल लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई में 1/2 कप चीनी डालेंगे और जितनी चीनी ली है उतना ही पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे, हम चाशनी को ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे, इसे हल्की सी ही गाढ़ी बनाएंगे। और तो चीनी मेल्ट होने लगे और पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब इसमें हम सारे परवल को डाल देंगे। और परवल को चाशनी में अच्छे से मिला लेंगे। हम परवल को 2 मिनट के लिए ही चाशनी में रहने देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे।
दो मिनट हो चुकी हैं, अब गैस बंद कर देंगे और फिर से हम परवल को चाशनी से निकालते हुए छलनी में डाल लेंगे। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक परवल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बड़े बाउल में खोआ, जिसे हमने अभी भूना था, अब इसमें आधा कप बूरा, कुछ कटे हुए बादाम, किशमिश, चिरौंजी, आधी चम्मच पिसी हुई इलायची डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। परवल ठंडे हो चुके हैं, अब हम परवल में फिलिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से परवल को बीच में से खोलकर फिलिंग भर लेंगे। और अच्छे से दबाकर प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरीके से बाकी परवल को भी फिलिंग कर तैयार कर लेंगे। फिलिंग हो चुकी है, अब बादाम से इसे गार्निश कर लेंगे। परवल की बर्फी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे रक्षाबंधन के त्योहार पे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।